मुझे लगता है अमृत तो सिर्फ भाजपा वालों को ही मिल रहा है, अमृत के बाद बाकी चीजें जो बच रही है वो देश के लिए है। ये अगर उल्टा होता कि देश को अगर अमृत मिलता तभी इम्पोर्टेंट होता, आप सीधे सीधे किसी भी आम आदमी के लिए तीन चार चीजें इम्पोर्टेंट होती हैं। सबसे पहला कि क्या उनके बच्चों को रोजगार मिल रही है, दूसरा कि क्या देश में न्याय व्यवस्था ठीक से काम कर रही है, और तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या किसान इंडस्ट्रीज ये सारे खुश है। इन्फ्लेशन जो प्राइस राइज है वो बहुत ज़्यादा है, ऑल टाइम हाई जा रहा है। आप इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले लो या इन्वेस्टमेंट ले लो किसी भी तरीके से, वो कम हो गया है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो गया है, फार्मर्स अनहैप्पी हैं। तो ये सारी सिचुएशन को गवर्नमेंट को एड्रेस करना पड़ेगा। और मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप छोटे छोटे टेम्पररी मेजर्स लेने के बजाय अपने विजन को देश के सामने रखिए कि आप ऐसे देश को ले जाना चाहते हैं, और उस विजन को अचीव करने के लिए आपने क्या 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 आइडियाज और क्या क्या स्टेप्स लिए, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। ओवरऑल रहता क्या है कि छोटा सा ये कर दिया, छोटा सा वो कर दिया, ये छोटे छोटे पैचअप वर्क से देश आगे बढ़ने वाला नहीं है। और पिछले 10 सालों से सरकार की जो क्रियाकलाप है और कार्यप्रणाली को अगर आप देखोगे, उसमें लगता है यही है कि इनका फोकस विपक्षी दलों को जेल में डालने में, दूसरों को खत्म करने पे कंस्ट्रक्टिव तरीके से इनका फोकस नहीं। जी, आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं बजट से, खासतौर पे दिल्ली? मेरी उम्मीद है सबसे पहले, देखिए दिल्ली का सबसे पहले तो जो शेयर दिल्ली को मिलता है फाइनेंशियल असिस्टेंस का, वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि दिल्ली अपनी तरफ से बहुत ज्यादा पैसा देती है और दिल्ली को इन रिटर्न पिछले कई सालों से एक लिमिटेड अमाउंट ही मिलता है, तो वो इंक्रीज होने चाहिए। दूसरा, पंजाब के रिस्पेक्ट में भी जो हमारे पैसे रुके हुए हैं, चाहे आप रूरल डेवलपमेंट फंड्स ले लो या फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड आप फंड्स ले लो, कई सारे फंड्स हैं जो सारे रुके हुए हैं, वो सारे फंड्स रिटर्न करने चाहिए, देने चाहिए। जब तक आपके स्टेट्स स्ट्रांग नहीं होंगे, देश कैसे स्ट्रांग होगा? तो एक तो ये है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा अलग लेवल पर जा चुका है, इसको इमिजिएटली इस पे 10 पॉइंट्स एजेंडा बना के इसको एड्रेस करना पड़ेगा। कल इकोनॉमिक सर्वे टेबल हुआ और उसे लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो ग्रोथ एरियाज है उसे आइडेंटिफाई करता है और दिखाता है कि भारत विकास के रास्ते पे है। कांग्रेस पार्टी ने दलों ने इस पे सवाल उठाया कि ये एक तरह से गर्त में भारत की अर्थव्यवस्था ले जाई जा रही है, उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। भाई ग्रोथ एरिया, आज आप 3.0 कह रहे हो, 3.0 में ग्रोथ एरियाज आइडेंटिफाई करोगे? आज आप अगर एरिया आइडेंटिफाई करोगे तो काम कब करोगे? ग्रोथ एरिया तो आपको डे वन पे आइडेंटिफाई करना होता है। ग्रोथ एरियाज, इंपॉर्टेंट एरियाज, क्रिटिकल एरियाज, उसको पहले दिन आप आइडेंटिफाई करते हो, फिर अपना विजन बनाते हो, फिर उस विजन को अचीव करने के लिए आपके एग्जीक्यूट करने के प्लान बनाते हो, फिर उस पर काम करते हो। बड़ा सिंपल सी चीज है, आप बचपन से जब बजट सुनते आ रहे होगे तो तीन चार चीजें ही आप सुनोगे कि यहाँ पे गरीबी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। ये सारी चीजें आज भी है, सरकार को ये बताना चाहिए कि भाई बेरोजगारी को एड्रेस करने के लिए मैंने ये 10 पॉइंट एजेंडा है, टाइम बाउंड तरीके से इसको फॉलो करेंगे। महंगाई को रोकने के लिए ये 10 पॉइंट एजेंडा है, इसको ठीक करने के लिए इसको ऐसे फॉलो करेंगे। बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो ये पेपर लीक्स हो रहे हैं, किसानों के लिए जो उनकी ज़रूरतें हैं, ये सारी चीज़ों को आपको, आप 10 पॉइंट रखो, 10 पॉइंट को टाइम बाउंड तरीके से कैसे इम्प्रूव करोगे, उसके विजन देश के सामने रखो, तब जाके देश पड़ेगा। बजट को लेकर इंडिया ब्लॉक की क्या रणनीति होगी, कैसे आप लोग उस पे आगे चर्चा में भाग लेंगे? पहले इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, डिटेल में समझते हैं, वो समझने के बाद फिर जो देश के लिए जरूरी है, जो चीजें, कई सारी चीजें सरकार को बड़ा अच्छा तरीका पता है चीजों को, इम्पोर्टेंट चीजों को दबाने की, तो वो जो दबाए होंगे वो उन चीजों को जनता के सामने, देश के सामने लाएंगे, और जनता के सामने रख कर देश को भी बताएंगे कि कैसे बीजेपी फेल हो रही है। अगर अच्छा करेगी तो तारीफ करेंगे, देश इंपॉर्टेंट होता है, और भाजपा को बताएंगे कि भाई ये पॉइंट्स है, ये आपको करने पड़ेंगे, आज नहीं करोगे तो कल किसी और को करना पड़ेगा, बट करना पड़ेगा। आज इंडिया ब्लॉक फ्लोर लीडर्स की मीटिंग है मल्लिकार्जुन खड़गे घर पे, क्या कुछ चर्चा हो सकती है? फ्लोर लीडर्स में मोस्टली यही डिस्कस होगा कि कैसे क्या इश्यूज है, क्या एजेंडाज है, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, और सरकार जनरली किसी को बोलने तो देती नहीं है, वो सदन के बाहर सीबीआई ईडी से धमकाती है, सदन के अंदर कहती है कि मैं सस्पेंड कर दूंगा, सस्पेंशन का धमकी देती है, तो कैसे मैनेज करना है, कैसे अपनी बातों को रखना है, ये भी डिस्कस। एक अंतिम सवाल सर, कल सुप्रीम कोर्ट का एक अहम निर्णय आया, जो नेम प्लेट विवाद था उस पर अंतरिम रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, कैसे देखते हैं आप इसे? आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बहुत स्वागत है इस पे। आप देखो आपका फोकस क्या है सरकार का, आप ऐसे ट्रिवियल छोटी छोटी चीजों पे पढ़ रहे हो जिसका कोई आउटपुट नहीं निकलना है। आज आप बजट पेश कर रहे हो, एक तरफ आपके सामने अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइस राइज है, इसको एड्रेस करने के लिए आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, फालतू की चीजों में पढ़ पढ़ के, यही इनकी राजनीति है, इनकी राजनीति है, ये है कि फूट डालो, राज करो, लड़ाओ, ये करो वो करो। आपका इंटेंशन बड़ा क्लियर है कि आपको देश से कोई लेना देना नहीं।